अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किसी भी जॉब पे जो है वो किस तरह से जो है अपना प्रपोजल लिख सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, और आप उस जॉब को जो है विन कर सकते हैं। क्योंकि वर्क जो है एक बहुत ही कम्पिटेटिव प्लेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो फ्रीलांसर्स हैं वो एक जॉब पे बिड करते हैं, और कोई एक ही खुशनसीब इंसान होता है जिसे क्लाइंट की तरफ से हायर किया जाता है। तो चलिए आज बताती हूँ मैं आपको किस तरह से प्रपोजल लिखना है। आप चलते हैं अपवर्क स्क्रीन की तरफ, देखें ये अपवर्क जो है ये प्रीव्यू नजर आ रहा है, आपने क्या करना है। चलें इसी को जो है वो देखते हैं। डिजिटल इनवाइट है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यहाँ से, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का ही जो है वो काम कर रही हूँ। तो देखें ग्राफिक डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से जो है वो आपका प्रीव्यू जो है वो शो हो जाएगा। करेगा यहाँ अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। आपने देख लेना है कि आपके रिक्वायरमेंट है $10 है और 4 क्लाइंट्स हैं इसके, अवेलेबल क्लाइंट्स आपके होने चाहिए, और फिर आपने जो है क्लाइंट की हिस्ट्री भी यहाँ से देख लेनी है। एक इसका 50% हायर रेट है कि इसने दो जॉब पोस्ट किए हैं और एक जॉब जो है उसने हायर किया और एक जॉब पे अब तक हायर नहीं किया, तो कम से कम 50% हायर रेट लाजमी होना चाहिए क्लाइंट का। अदरवाइज जो है क्लाइंट हायर नहीं करते उनकी हिस्ट्री इस तरह की होती है, जॉब पोस्ट कर देंगे बट वो हायर नहीं करेंगे, ऐसे में आपके क्लाइंट जो है वो जाया होने का खदशा होता है। ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनकी जॉब पे जो है वो आप बिड ना करें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप देखें कुछ इस तरह प्रीव्यू जो है वो शो हो जाएगा आपको। जब ये आपको जॉब डिटेल नजर आ जाएगी, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन उठानी है, कॉपी करनी है और यहाँ पे चैट जीपीटी खोलनी है। चैट जीपीटी खोलने के बाद ये जो चैट जीपीटी का यहाँ इसको आपने पेस्ट करना है और आपने कमांड देनी है राइट अ प्रपोजल, ऑफ दिस जॉब। देखिए चैट जीपीटी जो है वो लिख रहा है, ये बहुत ज्यादा लंबी लिख देगा, लेकिन आपने इतना लंबा जो है प्रपोजल नहीं सबमिट कराना। क्लाइंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इतना लंबा प्रपोजल पढ़ने का। आपने इसमें से रैंडम रैंडम जो है वो ले लेना, ऊपर क्लाइंट का नाम जो है वो ले लेना है। अब क्लाइंट का नाम जो है वो किस तरह से लेंगे, देखिए मैं यहाँ पे जो है ना ये पूरा आपको कॉपी करके थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये इस तरह से उठाना है और आपने जो है ये पढ़ भी लेना है कि आखिर जो है चैट जीपीटी ने जो लिखा है कि वो सही भी लिखा है या नहीं लिखा। अब देखिए इसको जो सबमिट कराने का तरीका है वो ये है, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट लेंथ है लेस देन अ मंथ है और फिक्स प्रोजेक्ट है और एक्सपर्ट लेवल है। तो आपने यहाँ पे इसका ड्यूरेशन जो है वो करना है लेस देन अ मंथ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ये पेस्ट करना है जो चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन ली है, इसको बड़ा कर लें। यहाँ पे क्लाइंट का नाम जो है वो आप देखें, क्लाइंट का नाम आपने कहाँ से ढूंढना है ये देखें, ये जो हिस्ट्री दी हुई है क्लाइंट की अगर यहाँ पे दिया हुआ होता, क्योंकि ये एक ही इसने किया है जॉब जो है वो पोस्ट की है और उसी पे हायर वही इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है इस क्लाइंट का। अगर इसने एक से जायद जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए होते यहाँ लिखा होता, तो किसी ना किसी जो फ्रीलांसर ने इसका नाम लेके जो है वो लाजमी जो है यहाँ पे फीडबैक दिया होता और आप यहाँ से नाम लेके जो है वो यहाँ इस क्लाइंट के आगे जो है वो टाइप कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है आपने ये देखें ये प्रपोजल लिखना है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई सर्विस टू क्रिएट डिजिटल इन्विटेशन फॉर, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर एन एडिटेबल इन्विटेशन। उसके बाद जो है आपने एड से लिंक जो है यू प्रोवाइडेड एज इंस्पायरेशन वो लिख देनी है, और ये सारा जो है एक परफेक्ट जो प्रपोजल लिखा हुआ है। फिर आपने कॉल टू एक्शन लाजमी लिखना है, लेट मी नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हायर मी। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो आपको शो कर देता है आपका पीसी। आपने जो है उसे करेक्शन कर लेनी है। उसके बाद काइंड रिगार्ड अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। और उसके बाद जो है ये देखें ये अटैचमेंट है, आपने अपने जो प्रपोजल है उसको सबमिट कराने से पहले 4 से 5 जो है वो सैंपल्स अपने काम के रखने हैं, चाहे PNG फॉर्म की सूरत में रखें या किसी भी फोल्डर की ऑनलाइन फोल्डर की सूरत में। अगर कोई लिंक देना चाह रहे हैं तो आप यहीं पे जो है वो लिंक दे दें, पेस्ट कर दें उस लिंक को। अगर लिंक नहीं है, कोई तस्वीरें हैं तो आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करें और जो लोकेशन होगी वो पॉपअप आपका ओपन हो जाएगा और वहां से
वो रैंडम जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे ओपन जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाएंगे। उसके बाद देखें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये होता है बूस्ट का। आपको जो अवर्क है वो खुद बताएगा कि फर्स्ट प्रेस लेने के लिए आपने कितने कनेक्ट्स यूज करने हैं, सेकंड प्रेस लिए, ये सेकंड और थर्ड फोर्थ प्लेस उसकी अभी तक जो है वो नहीं हुई है क्योंकि 5 से कम ही प्रपोजल सबमिट हुआ है। 5 कनेक्ट्स जो है इसमें पहली प्लेस है। देखें आप चाहें तो इसको सेटअप बिड कर लें, 5 कनेक्ट्स कर दें, वो इजाफा हो जाएगा। देखें सेटअप बिड 5 कनेक्ट्स, आप बिड पे क्लिक करें और उसके बाद ये कनेक्ट कर दें। अगर आप नहीं करना चाहते बिड को तो आप डायरेक्ट जो है जितने प्रपोजल पे जो रिक्वायरमेंट है कनेक्ट्स के आप उन्हीं को रहने दें, और यहाँ से सेंड फॉर कनेक्ट्स जो है वो कर दें, और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरह से आपने प्रपोजल बना के उसको सबमिट कराना है। इसी तरह से जो है आप अपनी पहली जो जॉब है या पहला जो प्रोजेक्ट है वो अवर पे इजिली जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।